आज की ताजा खबर। प्रवासी मजदूरों के लिए ट्रेनें नहीं देने के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आरोपों पर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने पलटवार किया। उद्धव ठाकरे के ट्रेन नहीं देने के बयान के बाद पीयूष गोयल ने रविवार को 5 घंटे के भीतर एक के बाद एक कई ट्वीट करके महाराष्ट्र सरकार से तुरंत यात्रियों की जानकारी देने को कहा। इतना ही नहीं, रेल मंत्री ने कहा कि वो आज से 125 ट्रेनें देने के लिए तैयार है। जितनी जल्दी यात्रियों की जानकारी दी जाएगी उतनी जल्दी महाराष्ट्र से ट्रेनें प्रवासी मजदूरों को लेकर रवाना हो जाएंगी। रविवार को रेल मंत्री ने शाम करीब 7 बजे पहला ट्वीट कर उद्धव सरकार से प्रवासी मजदूरों से जुड़ी जानकारी मांगी और रात 12 बजे फिर ट्वीट कर दावा किया कि 5 घंटे के इंतजार के बाद भी महाराष्ट्र सरकार ने ट्रेन से यात्रा करने वाले किसी प्रवासी मजदूर की जानकारी नहीं दी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कल शाम करीब 7 बजे ट्वीट करते हुए लिखा कि उद्धव जी, हम महाराष्ट्र से कल 125 श्रमिक स्पेशल ट्रेन देने के लिए तैयार हैं। आपने बताया कि आपके पास श्रमिकों की लिस्ट तैयार है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि सभी निर्धारित जानकारी, जैसे कहां से ट्रेन चलेगी, यात्रियों को ट्रेनों के हिसाब से सूची, उनका मेडिकल सर्टिफिकेट और कहां ट्रेन जानी है, ये सब सूचना अगले 1 घंटे में मध्य रेलवे के महाप्रबंधक को पहुंचाने की कृपा करें, जिससे हम ट्रेनों की योजना समय पर कर सकें। बीती रात करीब 9 बजे पीयूष गोयल ने फिर ट्वीट किया और लिखा कि दुख की बात है कि 1.5 घंटे हो गए पर महाराष्ट्र सरकार ने रेलवे के GM मध्य रेलवे को कल की 125 ट्रेनों के निर्धारित जानकारी नहीं दी। ट्रेन प्लान करने में समय लगता है और हम नहीं चाहते कि ट्रेन स्टेशन पर आकर खाली खड़ी रहे, इसलिए पूरी जानकारी के बिना प्लान करना असंभव है। रात 12:15 बजे रेल मंत्री ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए एक और ट्वीट किया, रात के 12 बज चुके हैं और 5 घंटे बाद भी हमारे पास महाराष्ट्र सरकार से कल की 125 ट्रेनों की डिटेल्स और पैसेंजर लिस्ट नहीं आई है। मैंने अधिकारियों को आदेश दिया है कि फिर भी प्रतीक्षा करें और तैयारियां जारी रखें। मेरा अनुरोध है कि महाराष्ट्र सरकार अब भी अगले 1 घंटे में कितनी ट्रेन, कहां तक और पैसेंजर लिस्ट में भेज दें, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। इससे पहले